दोस्तों, मुझे ये जानकारी मिलने से बहुत अच्छा लग रहा है कि अधिकतर लोग ऐसे हैं जहाँ पर बैठे हुए हैं तो किसी न किसी प्रकार से जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। जो उसका मुकाबला करेगा, ऐसी बढ़िया बिल्डिंग, जो
जो है वो हरियाणा स्टेट ने बनाई बच्चों के लिए। अब उसको संस्कृति स्कूल बिल्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि उसको ऑर्डिनरी स्कूल से संस्कृति स्कूल बना दिया है। तो इस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर जो है सैकड़ों की तादाद में मतलब बिल्डिंगें बनी। वो अलग बात है कि जहाँ तक पढ़ाई की बात है और बहुत सारी बुनियादी चीज़ों की बात है वो चीज़ें अभी भी वहाँ पे नहीं है। एक और हरियाणा का किस्सा, मतलब मैं आपको सिर्फ एक्सेल जैसे कोई डॉक्टर या कोई जो है आपको नुकते बताता है और कानूनी जो हमारी समझ है हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब आप जानते हैं राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट आ गया है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 आ गया है कि 6 से 14 तक बच्चे सारे स्कूल में जाएंगे कंपल्सरीली। और उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आ गया 2009 में, 2010 में लागू भी हो गया। लेकिन अभी भी ग्राउंड रियलिटीज आप जानते हैं कि क्या है। तो ऐसे ही मैं नुगू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब मैं गवर्नमेंट स्कूल को देख रहा था तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसने बताया कि मेरी बेटी यहाँ पर 7th क्लास में पढ़ती है और 6th से लेकर 8th तक 200 लड़कियाँ हैं और सिर्फ एक टीचर है, तो पढ़ाई कैसे होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि इतने पे एक टीचर होना चाहिए। तो हमने उसको बोला कि क्या आप जो दीवानी अदालत है उसमें कोर्ट में केस करेंगे आप, वो तैयार हो गए। पहले क्या होता था जब राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं था तो आपको आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था या 226 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता था, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। लेकिन जब से ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया हमने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो अब आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, अब तो जो घर के पास दीवानी अदालत है ना उसी में एक इंजेक्शन सूट फाइल कर दो। तो वो व्यक्ति हमारा तैयार हो गया और वो मैंने ड्राफ्ट किया और वहाँ पे चिरका तहसील में जो है सब जज उसके यहाँ को हमने सूट फाइल किया। और उसका असर ये हुआ, उन्होंने जब उनको बताया सिर्फ टीचर को लेकर छूट दिया, एक टीचर कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए कम से कम, एक ही टीचर। तो जब उन्होंने नोटिस इशू किया एक साधारण जज ने, मतलब जज तो सारे बराबर ही होते हैं लेकिन साधारण का मतलब पीछे की लेवल का इंटर है, उसका असर ये हुआ पूरी हरियाणा गवर्नमेंट जो है ना हिल गई। वहाँ के मिनिस्टर ने तीसरे दिन ही सारे MP और MLA को बुलाया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो पहला केस था हिंदुस्तान के अंदर जो एक पेरेंट कोर्ट में गया और कहा कि साहब सिविल कोर्ट में गया और कहा कि मेरे स्कूल में लड़की पढ़ती है और उसको टीचर। उसके बाद एक उसमें ये हुआ कि जो चीफ सेक्रेटरी को भी पार्टी बनता है, चीफ सेक्रेटरी को अपने पार्टी बनाया था, चीफ सेक्रेटरी को ये लगा कि हो सकता है कि मेरे खिलाफ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर तहसील के अंदर पेरेंट या मुकदमा करते, इतना घबरा गया वो कि उसने अपनी लीगल टीम को कहा कि साहब इसको मेरे इस केस से मुझको निकालो और फॉर्मल एप्लीकेशन लगाई उन्होंने कि साहब चीफ सेक्रेटरी का कोई मेरा देना नहीं है मुझको निकाला आपने, भी चीफ सेक्रेटरी का ही तो लेना देना और तो कोई है ही नहीं कानून के अंदर। और उसका अल्टीमेट असर ये हुआ कि तीन महीने में हरियाणा में 1000 टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे गए, 3 महीने के अंदर कोई भी मिल गया है उस टीचर से जो भर्ती हुए बात में। तो ये इस तरीके के जो है ना मतलब बटन दबाओ और कुछ हो जाता है लीगल सिस्टम में, ये है लोग डरते हैं लीगल सिस्टम में जाने से, सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो होगा या नहीं होगा, लेकिन आप कुछ करोगे तो कुछ होगा ना, जो थोड़े पे बैठा ही तो पहुंचेगा, काम तो कभी पहुंचेगा नहीं। दिल्ली के अंदर आप देखो एक केस में बताता हूँ आपको जो आप सब लोगों के इंटरेस्ट का है। 2002 में हमने देखा कि दिल्ली के बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, 2002 की बात बता रहा हूँ, और उनको जो लैंड मिली हुई है गवर्नमेंट लैंड है उसमें कंडीशन है कि आप 25% जो है गरीब लोगों के बच्चे या कमजोर वर्ग के बच्चों को इसमें एडमिशन देंगे और फ्री एजुकेशन देंगे, कोई पैसे नहीं लेंगे। अब वो जमीनें जो थी 50s के अंदर 60s में 70s 80s के अंदर दी गई थी, कई बार पार्लियामेंट में भी सवाल उठा, कई बार दिल्ली की असेंबली में भी सवाल उठा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब 2002 में हमने केस फाइल किया और हमारे पास 265 सोसाइटीज की लिस्ट थी जिनको स्कूल के लिए जमीन मिली थी दिल्ली के अंदर, तो जब हमने केस फाइल किया और उसके अंदर पहला ऑर्डर
20 जनवरी 2004 को आया, 20 जनवरी 2004 पहला। और कोटे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को बोला कि तुम 4 महीने में ये देखो कि कौन से स्कूल है जो इसको अप्लाई नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो उनको लैंड होल्डिंग एजेंसी को लिस्ट भेजो। अब हरदम बच गई, प्राइवेट स्कूल वाले जो है मतलब पूरा एजेंट, उन्होंने जो फीस देने वाले पेरेंट थे उनको भी भड़काया कि तुम ही आवाज उठालो, ये गंदे बच्चे हैं, जोगी के बच्चे हैं और तुम्हारे बच्चों के साथ बैठेंगे, मतलब पूरा उन्होंने जो है ना कोशिश किया। बाद में भी जब एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ तो उन बच्चों को स्कूल के बाद बैठाने की बात करी, उनके जो नेम प्लेट होती है उस पर डब्ल्यू लिख दिया, वीकर सेक्शन, मतलब किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन कोर्ट ने भी स्कूल वालों को बराबर कंटेंट नोटिस इशू करे, हमने सड़कों के ऊपर भी उनके खिलाफ लड़ाई करी, मीडिया ने भी जो है स्कूल वालों के खिलाफ लिखा है। इस मुद्दे को कि सारी राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ यही है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है वो बच्चा कैसे दाखिल हुआ। 2009 में तो एक्ट आया था, जब दिल्ली का एक्सपीरियंस हुआ तो एक्ट में पूरे देश के लिए हो गया, लेकिन लेकिन हाँ वो एक्ट के अंदर फिर पूरे देश के लिए हो गया। शुरू में तो ये दिल्ली का ही था जमीन का, और उस क्लॉज की वजह से एक फर्क आज भी है कि जो स्कूल गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है दिल्ली में, उनको बच्चों को 12वीं तक पढ़ाना पड़े, हमने कोर्ट से बराबर ऑर्डर लिया हुआ है कि वो 12वीं तक पढ़ेंगे जो हमारे EWS के बच्चे हैं डिसएडवांटेज। बाकी अगर दूसरे जो स्टेट्स हैं, क्योंकि वहाँ पता नहीं लैंड का कोई कंडीशन का नहीं पता, तो वो सारे स्कूल जो है वो 8वीं क्लास के बाद निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो गैर बराबरी थी समाज के अंदर, उसको एक झटका इस कोशिश से चला और वो पूरा कामयाब हुआ। मैं जब केस लड़ रहा था तो लोग मुझे बोलते थे कि ये इम्पॉसिबल है, सरमायादारी स्कूलों से लड़ना, और एक दूसरा था प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ लड़ना, उनके खिलाफ भी मैंने इस तरीके का ऑर्डर लिया। और आज दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स 61 दिल्ली के टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 1000 से भी ज़्यादा जो बिस्तर है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, हर रोज पता नहीं कितने 100 पेशेंट गरीब पेशेंट, और आप उनकी उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखोगे, एक झुग्गी वाला है वो एक VIP हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट लेता है और वो मुझको बोलता है सर जब नर्स आती है ना तो गुड मॉर्निंग बोलती है, गुड मॉर्निंग बोलती है, मेरे लिए खाना जो है वो उस पर लगता है, बेड के ऊपर लगता है। तो ये जो खूबसूरती है लड़ाई, और इसके खिलाफ लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई, तो ये इस तरीके से कुछ चीजें करने से ना कुछ कुछ बदलती है चीजें। और एक बहुत लंबी लिस्ट है, अभी मैं महाराष्ट्र में गया, गढ़चिरौली आप लोगों ने सुना होगा सबसे ज्यादा नक्सलाइटेड एरिया और खराब एरिया है, वहां पे कई जगह तो सड़कें नहीं थी, नदी में पैदल क्रॉस करना पड़ा, एक नदी में तो मैं 3 बार गिर भी गया क्रॉस करते करते। और फिर वहां पे जितना हमने देखा कि ट्राइबल्स, अभी ट्राइबल्स की भी बात कर रहे थे कि ट्राइबल्स के लिए जो उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए और जो दूसरे स्कूल बनाए गए वो छप्पड़ में चल रहे, टीम के अंदर चल रहे। मैंने वो सारे चीजें लेकर जो है ना जो नागपुर हाईकोर्ट में केस किया, और नागपुर हाईकोर्ट ने उनको नोटिस इशू किया, और उसकी उस केस की सबसे अच्छी खूबसूरत चीज पहलू ये मिला कि जो महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब दाखिल किए बड़े ईमानदारी से दाखिल, वरना अदरवाइज सारी सरकारें झूठे बोलती है कोर्ट के सामने। और उन्होंने कहा कि हाँ ये सब कमियां हैं हम पूरी कर रहे हैं है? और हम बिल्डिंग ठीक बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और करा भी उन्होंने। तो इस तरीके से एक बदलाव नहीं तो सालों साल चलता रहता, सालों से चलता रहता, सालों साल चलता रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मैं इंस्टेंसेस दे सकता हूँ कि जहाँ लीगल स्किल को हमने यूज करके जो है वो, बिहार की बात बताता हूँ, बिहार में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट को घूमे, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक स्कूल पे हम गए तो देखा, बताया उन्होंने कि 166 बच्चे हैं इसमें, लड़कियाँ पढ़ती हैं एक क्लास में, सिर्फ 4 लड़कियाँ बैठी हुई थी क्लास 8 की क्लासरूम में 166 बच्चे। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के दिखाया, मैंने कहा देखो जरा पढ़ सकते हो आप, वो मेरा नाम नहीं पढ़ पाए,
वो मामला भी हमने पटना हाई कोर्ट में डाला पहले, मैं खुद जाके एफिडेविट अटेस्ट करके आया पटना हाई कोर्ट में, और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला किया जो बहुत मजा नहीं आया, तो हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में डाला, और अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को नोटिस दिया है कि ये क्या बता रहे हैं। लेकिन उसका एक फायदा ये हुआ कि जैसे ही हमने गवर्नमेंट को लिखा, पटना हाई कोर्ट में डाला, बिहार की सरकार जो है ना बहुत एक्टिव हो गई। और आपने मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि जो कुछ भी बिहार में अच्छा हुआ वो मेरी वजह से हुआ, बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आपने देखा पीछे 2-2.5 लाख टीचर भर्ती हुए, टेस्ट खोल के बहुत टीचर मुझको अपना वीडियो बना के भेजते हैं, कहते हैं सर देखो जब आप आए थे तो बच्चे जमीन पर बैठे थे, अब ये बच्चे जो है डेस्क के ऊपर बैठे, वो डेस्क की फोटो भेजते हैं। तो मैं उसको कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, इस तरीके से मुझे भी नहीं पता मैंने कितने केस डाले हैं। कंक्लूड मैं ये कर रहा हूँ कि जो हमने अंत में हमने जो इसमें महसूस किया और अनुभव किया वो ये किया कि इसमें पेरेंट्स को और बच्चों को अपनी लड़ाई लड़नी, एक सेक्शन 80 का नोटिस होता है, हमने वो नोटिस भी भिजवाए पेरेंट्स से साइन करा के बिहार में खासकर, और उसके अंदर क्या पेरेंट्स साइन करता है और वो कहता है चीफ सेक्रेटरी को कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसमें ये कमियां है, स्कूल के अंदर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, ये सारे राइट टू एजुकेशन एक्ट के उल्लंघन है, और अगर आपको मैं 2 महीने का नोटिस देता हूँ लीगल नोटिस, अगर 2 महीने में आपने नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ दीवानी दावा करूँ, उसका भी बहुत बड़ा असर मुझे लगता है। तो इस तरीके से एक पेरेंट जो है ना उसको हमारा कोशिश ये है कि मेरे अशोक अग्रवाल के अकेले लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ छुट्टा पुट्टा कुछ हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन तब होगा जब पेरेंट्स और बच्चे भी लोग कहते हैं बच्चा है बच्चे को तो बोलो, अभी क्या हुआ एक वीडियो किसी बच्चे ने मुझे बना के दिया और कहा कि मेरे स्कूल में जो टीचर आते नहीं पढ़ाने के लिए, वो वीडियो काफी वायरल हो गया, कई लोगों ने मुझे कहा अरे बच्चों के वीडियो पर डाला करो, मैंने किसके डालूं भाई, मतलब इतना अजीब सा डर समाज के अंदर है। अरे वो बच्चा जो सफर कर रहा है, मैं कल की बात है, सैटरडे कब था, आज संडे है ना, कल मैं कापासेड़ा के स्कूलों में विजिट किया, दो गवर्नमेंट स्कूल देखे और एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल देखे। आप देखो 10वीं क्लास 11वीं क्लास की लड़कियां उसमें बैठी है दरी के ऊपर, और मैंने उनसे पूछा कि आपके कमर में दर्द नहीं होता, कहले हाँ सर मेरे को रोज कमर में दर्द होता। तब मैंने डॉक्टर को लिखा यार 645 टेस्ट स्कूल में भेजो और 450 टेस्ट दूसरे वाले स्कूल में भेजो। इसी तरीके से कॉर्पोरेशन वाले की हालत थी, वहां पर आप देखे स्कूल के अंदर जहाँ 2500 से भी ज्यादा सुबह की तरफ लड़कियां पढ़ रही है और शाम को भी इतने पढ़ती है लड़के पढ़ते हैं, सालों से कभी उसकी वाइट वॉशिंग नहीं हुई स्कूल की पेंटिंग थी, सारे खिड़कियां टूटी हुई थी, टॉयलेट ब्लॉक में से गेट तक स्मेल आ रही थी, और जो लड़कियां थी मैंने उनसे बात की तो कह रहे सर बहुत गंदा रहता है सारे स्कूल में एक स्वीपर। और आपको पता है इंटरेस्टिंग बात, मध्य प्रदेश में तो स्वीपर की पोस्ट ही नहीं है स्कूल के अंदर, बच्चे खुद ही साफ करते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि सरकार 25,000 रुपए टोटल सैनिटेशन के नाम पे प्रिंसिपल को देती है, उससे तो 2,000 रुपए 1,500 रुपए तनखा में कौन काम करेगा। तो ये जो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई बहुत जरूरी है, और जरूरत नहीं है कि हर आदमी कोर्ट में जाए, कोर्ट के अलावा भी अगर वो एक वातावरण बनाता है। अभी क्या हुआ, मैं एक स्कूल में गया तो ये था DDA फ्लैट्स का स्कूल था नंद नगरी का, तो वहां पे 10वीं के बच्चों ने मुझे बताया कि सर 1 महीने से मैथ्स का टीचर ही नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने वो डायरेक्टर को लिखा कि भाई 1 महीने से बच्चा टीचर नहीं आया, तो यूट्यूब पे भी डाला मैंने वो वीडियो, तो उसका मेरे को रिप्लाई आया कि सर हमारा मैथ्स का टीचर आ गया और हमें टेस्ट भी मिले, वो जमीन पे भी बैठे हुए थे 10वीं के बच्चे उस स्कूल के अंदर, दिल्ली सरकार के स्कूल के अंदर जो पूरे दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम तो वर्ल्ड क्लास है। मैं तो कल की बात बता रहा हूँ आपको, तो ये बहुत बेसिक लड़ाई है। डिसेबिलिटी के एरिया में भी मैंने बहुत लड़ाई करी है, यहाँ कंसेप्ट ही नहीं था कि डिसेबल्ड बच्चे स्कूल में जाए उनको स्पेशल एजुकेटर मिले, सोच ही नहीं थी सरकार के अंदर। कोर्ट में केस करने के बाद सोच बनी, और आज मैं कल जब गया MCD स्कूल में तो
एक स्पेशल एजुकेटर कम से कम 5 अलग तरीके के डिसेबल्ड बच्चों के साथ बैठकर वो उनको पढ़ा रही थी। तो फिर मैंने लिखा आपने उसके ऊपर कि अब क्योंकि अब डिसेबल्ड स्पेशल एजुकेटर अवेलेबल हो गए हैं, इसलिए डिसेबल्ड बच्चे भी स्कूल में जाने लगे, लेकिन अभी भी बहुत कम संख्या। तो ये जो बुनियादी लड़ाई है ना आज, कपड़ा रोटी मकान, आज भी यही लड़ाई है। और सत्ता भी हमारे मेरे बोलने से पहले बोल रहे थे कि 70-80% जो पॉपुलेशन है वो हर चीज से डिफरेंट, हर चीज से डिफरेंट। तो हमें हर तरीके से हर जगह मल्टी डायमेंशनल फाइट करनी चाहिए और उदास नहीं होना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए। और ये बदलेगा, अगर हम लड़ेंगे तो ये बदलेगा। थैंक यू वेरी मच।